विदा 2022 के इस विशेष अंक में बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं सौरभ, और सौरभ के साथ हम आपके बीच में उपस्थित हैं पुरस्कार सम्मान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए। और आज हम हैं 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार। फिल्म फेयर पुरस्कार हिंदी फिल्मों के लिए प्रदान किया जाने वाला बहुत सम्मानित पुरस्कार है, और इस वर्ष 23 अगस्त 2022 को जब यह पुरस्कार दिया गया तो यह इस संस्करण का 67वां था। सौरभ हमारे साथ हैं, जानते हैं हम सौरभ से 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार के अंतर्गत किसे क्या मिला और क्या कुछ खास बात रही इसमें। सौरभ जी, फिल्म फेयर अवार्ड में किसे क्या मिला, उससे पहले इसको देने वाली संस्था कौन है? तो द टाइम्स ग्रुप जो है इसको देने वाली संस्था है। वही टाइम्स ग्रुप है जिसके द्वारा कई न्यूज पत्रिका, खास करके इंडिया टुडे, और साथ साथ हमें लगता है कि इंडिया टुडे के साथ साथ चैनल जो लोग टीवी पर देखते हैं आज तक, इसका भी संचालन इसे होता है टाइम्स ग्रुप के द्वारा। जी जी, और ये हुआ था जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में। इनके होस्ट थे रणवीर सिंह, अर्जुन कपूर और अक्षय कुमार, तीन एक्टर जो थे इसका होस्टिंग किए थे। बात करें हम पुरस्कार श्रेणी को, तो इसको 5 वर्गों में रखा गया है, सुविधा के लिए हम वर्गीकरण किया ताकि आपको अध्ययन में सुविधा हो और जानने में सुविधा हो। जी, और पहला इसमें आपने लोकप्रिय पुरस्कारों को कैटेगराइज किया। जी, लोकप्रिय पुरस्कार में किसे क्या मिला है? लोकप्रिय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह मूवी, धर्मा प्रोडक्शन की मूवी है ये, बहुत बहुत ध्यान में रखेंगे। शेरशाह 2021 में रिलीज होने वाली हिंदी फिल्मों में फिल्म फेयर पुरस्कार पाने के मामले की बात की जाए, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब उसे मिला है। जी, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक डायरेक्टर रहे विष्णुवर्धन, शेरशाह मूवी का डायरेक्शन किया इन्होंने। जी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता थे रणवीर सिंह, फिल्म 83 वर्ल्ड कप की कहानी। वर्ल्ड कप की कहानी 1983, खास वर्ष था जब भारत ने लंदन में जी अपना झंडा, क्रिकेट का झंडा फहराया था। भारत को किसी भी बात की जाए आजादी के बाद की, तो जो उपलब्धि रही है उनमें से खास उपलब्धि थी 1983 का क्रिकेट वर्ल्ड कप, एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप का जितना कपिल देव के नेतृत्व में ये टूर्नामेंट, ये भारत ने कारनामा किया था। और इसी स्मृति को ताज़ा करने के लिए एक फिल्म आई 83, और उस फिल्म को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब रणवीर सिंह, कपिल देव का की भूमिका में थे रणवीर सिंह। जी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही कृति शेनन, जो मिमी मूवी में मिमी राठौर की भूमिका में थी। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता को एक्टर थे पंकज त्रिपाठी, मिमी मूवी के लिए ही, और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री थी साई तमंकर, ये भी मिमी मूवी के लिए। ये लोकप्रिय पुरस्कार की बात की गई, इसमें इन्होंने चर्चा किया। और अब दूसरा जो श्रेणी है न्यू कमर्स के लिए, जी पदार्पण पुरस्कार, जिन्होंने पहली बार किसी चीज में हिस्सा लिया था। सर्वश्रेष्ठ एक्टर पुरुष में जो है पदार्पण डेब्यू एक्टर थे एहान भट्ट थे, 99 गाने मूवी का नाम था, उसमें जय के किरदार में थे एहान भट्ट। सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण डेब्यू एक्ट्रेस थी सरवरी बाग, जो बंटी और बबलिन में सोनिया रावत के किरदार में थे, उनका बंटी बबली 2 जी सोनिया रावत उनका भूमिका में रही। जी, उनका उसमें एक और नाम था, निकनेम था जैस्मिन और जसलीन। अच्छा अच्छा जी। बेस्ट डेब्यूट डायरेक्टर थी सीमा पाहवा, राम प्रसाद की 13वीं मूवी का नाम था। अच्छा, क्या सुंदर शीर्षक रहा है। और ये पदार्पण की बात सौरभ बता रहे थे, और अब सौरभ से हम जानते हैं फिल्म फेयर में लेखन के क्षेत्र में किसको अव्वल स्थान प्राप्त हुआ। जी, कहानी लेखन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कहानी रही थी चंडीगढ़ करे आस्की मूवी की, जिसके राइटर थे अभिषेक कपूर, सुप्रतीक सेन और तुषार परांजपे। यानी तीन मूर्ति ने चंडीगढ़ करे आस्की की कहानी लिखी जी, और उसको सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कहानी का प्राप्त हुआ। जी, सर्वश्रेष्ठ पट कथा, जो इतिहास की कहानियों को पट पर रखा जाता है, शुभेंदु भट्टाचार्य और रितेश शाह ने लिखी थी सरदार उधम सिंह की कहानी। सरदार उधम सिंह की मूवी, सरदार उधम सिंह के जीवन पर पटकथा के लिए सर्वश्रेष्ठ पटकथा पुरस्कार मिलता है। हम सब जानते हैं उधम ने उत्पात मचाया था लंदन में जाकर, और जब उन्होंने जालियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया था, और उनकी इस महान कारनामों पर यह फिल्म आधारित है उधम सिंह।
सर्वश्रेष्ठ संवाद है संदीप और पिंकी फरार मूवी का संवाद, जिसको लिखा है दिवाकर बनर्जी और वरुण ग्रोवर ने जी। और अब हम लोग नजर डालते हैं संगीत पुरस्कार पर। संगीत पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ संगीत का निर्देशन किया था तनीष बागची, बी पराग, जसलीन रॉयल, जावेद मोहसिन और विक्रम मोन्ट्रोस, ये सब शेरशाह मूवी में काम किए हैं निर्देशन का, संगीत निर्देशन। शेरशाह मूवी ने 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार के नामांकन की बात की जाएगी तो सबसे अधिक नामांकन भी किया और काफ़ी चर्चा रही शेरशाह मूवी की इस फिल्म फेयर पुरस्कार में। हालांकि सर्वाधिक पुरस्कार की बात की जाएगी अगर जीतने की सरदार उधम उधम सिंह सरदार उधम जी, नौ अवार्ड मिला इनको जी। अगला सर्वश्रेष्ठ गीतकार रहे थे कौशर मुनीर, इन्होंने लहरा दो सॉन्ग लिखा था 83 का जी। वाह, 83 का लहरा दो सॉन्ग, और उसके लिए मिला कौशर मुनीर को सर्वश्रेष्ठ गीतकार का खिताब। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक रहे बी पराग, मन भरिया सॉन्ग, शेरशाह मूवी का मन भरिया सॉन्ग जो है जी। और सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका रही आशीष कौर, जो राता लंबिया, ये भी शेरशाह शेरशाह की, यानी दोनों पार्श्व गायन के लिए गायक गायिका दोनों को जो अवार्ड मिला फिल्म फेयर पुरस्कार का, वो दोनों का संबंध है शेरशाह मूवी। शेरशाह के लिए प्लेबैक सिंगिंग का कार्य करने वाले गायक गायिका को मिला 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ गायक गायिका का खिताब जी। बात हम आलोचकों के पुरस्कार की करें तो इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही सरदार उधम जी। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक रहे सुजीत सरकार। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्की कौशल सरदार उधम सिंह में, सरदार उधम की भूमिका में थे, उधम सिंह की भूमिका में थे, यानी विक्की कौशल उधम की भूमिका में जी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही विद्या बालन, शेरनी मूवी में विद्या वैसेंट की भूमिका में थी। बात करें इससे हट के फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की, फिल्म फेयर में सुभाष घई को मिला है। गौरतलब हो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार आपकी जीवन पर्यंत उपलब्धियों के लिए होता है, आपने जीवन पर्यंत जो कार्य किया इसके लिए होता है। और इस वर्ष फिल्म फेयर पुरस्कार का जब वितरित किया जा रहा था तो जिन्हें उनके जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया वो थे मुक्ता आर्ट के बड़े निर्देशक सुभाष घई, बिग शोमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने जाते हैं। और इन्होंने बहुत सारे फिल्मों का निर्देशन किया, खास बात थी सौरभ इनके निर्देशन की, शुरुआती दौर में इन्होंने जब कभी भी नई फिल्म बनाया नए अभिनेत्री को लाते थे और साथ बात ये थी कि उसका नाम बदल देते थे। महिमा चौधरी भी इसी कैटेगरी में है जी। आगे नामांकन की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ नामांकन तो शेरशाह मूवी का ही रहा, दूसरे नंबर पर थे सरदार उधम सिंह, 14 में से 9 अवार्ड भी, लेकिन अवार्ड के मामले में उधम सिंह सबसे ज्यादा जी मारे जी। वही तीसरे स्थान पर 83 उन्होंने भी 14 नामांकन दिए थे, सरदार उधम और 83 के नाम 14 नामांकन जी। रसीम रॉकेट के नाम 11 नामांकन, संदीप और पिंकी फरार के नाम 10 नामांकन। ये था हमारा 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार, बने रहे हमारे साथ। सौरभ हम आपके बीच में उपस्थित हो रहेंगे होंगे विदा 2022 में, क्या कुछ खास रहा 2022 में जी। 2022 यानी ये वर्ष बीता हो रहा है दिसंबर महीने में, यानी सम्मान पुरस्कार की कड़ी के साथ हम हैं और ये था फिल्म फेयर पुरस्कार की कहानी। बहुत बहुत धन्यवाद।